Yes, so next one, up to depreciation we are done, na? Now next, investment in shares, 840. Eight. Yes, schedule number 8, very good. Schedule number 8, investments in shares, outer column, 840. Next, loans, CC and OD, सब एक साथ दिया हुआ है. देखो, लोन 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 होता है जो बैंक आपको देती है. CC is also a short term loan that bank gives you, and OD is also a short term loan that is given to businessman. ठीक है, करंट नाइन अकाउंट होल्डर्स को जो दिया जाता है. यस, शेड्यूल नंबर 9, वेरी गुड. एडवांसेस, लोन, CC एंड OD, ये सब एडवांसेस होते हैं जो बैंक की सबसे बड़ी एसेट होती है ना. शेड्यूल नंबर 9 वो होता है. लिखो शेड्यूल नंबर 9 में, लिखो लोन्स, CC एंड OD. रुक रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ. ये देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट है इसके ऊपर. 10,900 आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है. लिखो इनर कॉलम में 10,900. मैं आपको बता रही हूँ इनर कॉलम में क्यों लिखा. देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़िए. क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 110, 110 लाख. यानी कि आपने जितने भी लोगों को लोन्स और CC और OD के फॉर्म में दिया हुआ था ना अमाउंट, लोन के फॉर्म में एडवांसेस दिए हुए थे, उसमें से आपको डाउटफुल है कि 1,000, सॉरी 110 लाख आपको नहीं मिलेगा. डाउटफुल है, ये आपका नुकसान हो सकता है. सो 110 लाख का आपका नुकसान जो है वो आपको 10,900 में से माइनस करना पड़ेगा. RDD माइनस करते हैं ना हम. देखो लोन, CC एंड OD, इनर कॉलम 10,900 माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स, मतलब RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, सॉरी, माइनस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड दैट इज इनर कॉलम 110, दैट इज 110 इनर कॉलम, बट राइट इट इन द ब्रैकेट 110. सो 10,900 माइनस 110, व्हाट शुड बी इन द आउटर कॉलम? व्हाट वुड बी इन द आउटर कॉलम? 10790 वेरी गुड, 10,790. 10,790. Okay. Now reserve for doubtful debts 110 will have a second effect also. So what will be the second effect of reserve for doubtful debts? Yes. What will be the second effect of RDD? No, not 16. 16 में हम bad debts दिखाते हैं, RDD नहीं दिखाते हैं. लेकिन 16 के नीचे Yes, provisions and contingency, 16 के नीचे आपने लिखा ना, मेन फॉर्मेट ओपन करिए, मेन फॉर्मेट में आ जाओ. अच्छा मुझे बताओ प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी में क्या क्या दिखाते हैं? एक प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाते हैं, एक RDD दिखाते हैं. तो आप प्रोविजन फॉर टैक्सेस है सम में, ढूंढिए एक बार सम में प्रोविजन फॉर टैक्सेस है क्या? नो मैम, नहीं है. हाँ नहीं है, वेरी गुड, नहीं है. तो फिर एक ही आइटम है ना, तो मैं सीधा दिखा सकती हूँ मेन फॉर्मेट में. आप जाइए पीएनएल का मेन फॉर्मेट निकालेंगे, पीएनएल का, बैलेंस शीट नहीं, पीएनएल का मेन फॉर्मेट निकालेंगे. उसमें आपने शेड्यूल नंबर 16 के नीचे लिखा है प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, उसके इनर कॉलम में लिखेंगे 110, ब्रैकेट में लिखेंगे RDD. प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज के ब्रैकेट में लिखेंगे RDD, एडजस्टमेंट नंबर 2, इनर कॉलम 110, इनर कॉलम 110. समझ में आया कैसे लिखना है? RDD का सेकंड इफेक्ट कहाँ दिखाना है, समझ आया? पहला हाँ, मेन इफेक्ट फॉर्मेट बैलेंस शीट के शेड्यूल नंबर 9 में से लेस करेंगे, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज में दिखाएंगे. एक ही आइटम है इसीलिए प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज का मैंने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, सीधा डायरेक्ट पीएनएल के स्टेटमेंट में दिखाया. इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम, ओके, यस मैम. मतलब रिजर्व्स, डाउटफुल रिजर्व और डाउटफुल डेट, RDD का भी सेकंड इफेक्ट हो गया. अब आ जाइए नेक्स्ट आइटम पे, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, एडवांसेस. वेरी गुड, शेड्यूल नंबर 9, एडवांसेस लिखिए.
bills discounted and purchased. Outer column 1800. Outer column 1800. ये आपका एडवांसेस है. आपने बिल्स खरीद कर लोगों को एडवांस दे दिया, उसे कहते हैं बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड 1800 रुपीस. गवर्नमेंट बॉन्ड्स. शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड. शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स. कीप इट अप, गोइंग गुड. शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स. आउटर कॉलम 1600 और इसका नाम है गवर्नमेंट बॉन्ड्स. नेक्स्ट फर्नीचर प्रीमाइसेस. ये दो आइटम्स हैं. दोनों फिक्स एसेट्स. वेरी गुड. शेड्यूल नंबर 10. वेरी गुड. शेड्यूल नंबर 10 में जाएं. लिखो पहले फर्नीचर 400 आउटर कॉलम. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम. समझो बोलेगा 10% डेप्रिसिएशन, तो क्या करना है, फर्नीचर का 400 है उसका 10% 40 होते हैं, माइनस करके 360 आउटर कॉलम में. और 40 डेप्रिसिएशन की बात करी, 40 उसका दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे शेड्यूल नंबर 16 में. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. आई बात समझ में, कैसे दिखाना है, लेकिन यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपली हमें क्या करना है, फर्नीचर 400 आउटर कॉलम में उठा के हमको शेड्यूल नंबर 16 में दिखाना, सॉरी शेड्यूल नंबर 10 में दिखाना. प्रीमाइसेस सेम, शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स. Premises outer column 300. Okay. Branch adjustment. ये मैंने आपको पहले भी समझा था. नहीं. Branch adjustment है ना, या तो asset होती है या तो liability होती है. देखो एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को कैश भेजना, स्टॉक भेजना, चीजें भेजना, मतलब जो आपके पास कम पड़ जाएगा वो ये बैंक आपको भेजेगी, कैश भेजेगी, स्टॉक भेजेगी. ठीक है, तो अब कभी कभी वहां से मुझे कुछ मिल जाएगा मेरी ब्रांच से, तो कभी मैंने कुछ अपनी ब्रांच को देना है, तो ऐसे करके लेन देन में ना कभी या तो मेरा फायदा होता है कभी नुकसान हो जाता है. तो अगर फायदा होगा ना तो क्रेडिट में दिखेगा आपको, क्रेडिट में, सॉरी फायदा होगा ना तो डेबिट में दिखेगा एसेट्स, डेबिट मतलब एसेट्स, और अगर नुकसान होगा ना तो क्रेडिट में दिखेगा लायबिलिटीज. आया समझ में आपको मैं क्या बोल रही हूँ, या तो ये एसेट होगा या तो लाइबिलिटी होगा. ब्रांच एडजस्टमेंट इट विल बी ईदर एसेट और लाइबिलिटी. आया समझ में. अब आपको देखना है कि डेबिट में है कि क्रेडिट में. अब ये अमाउंट 1835 किसमें है, कौन से साइड पे दिख रहा है आपको, डेबिट. हाँ अगर डेबिट में दिख रहा है ना तो आपके पास ये मतलब समझने वाली बात है, ये एसेट है क्योंकि ये डेबिट है मतलब एसेट है. अगर ये एसेट है यानी कि ये जाएगा शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स. अगर समझो ये क्रेडिट में होता तो जाता शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटीज. या तो ये जाएगा अदर एसेट्स में या तो ये जाएगा अदर लायबिलिटीज में. अब पता कैसे चले कि कहाँ जाएगा, अगर डेबिट में होगा तो एसेट है और अगर क्रेडिट में होगा तो लायबिलिटी होगा. इस ब्रांच एडजस्टमेंट के सिर्फ दो ही क्या बोल सकते हैं शेड्यूल्स होते हैं, या तो 11 या तो 5. 11 मतलब अदर एसेट्स, अदर एसेट्स. 5 मतलब और अगर डेबिट में होगा तो कहाँ जाएगा, अदर एसेट्स. अदर एसेट्स. और अगर लायबिलिटीज में हुआ, क्रेडिट साइड हुआ तो कहाँ जाएगा, अदर लायबिलिटी. वेरी गुड. तो अब कहाँ जाएगा, अब इस सम के हिसाब से 1835 अदर एसेट्स शेड्यूल नंबर 11 जाइए. अदर एसेट्स में लिखिए ब्रांच एडजस्टमेंट 1835 रुपीज. हो गया. नीचे एडजस्टमेंट में आ जाइए. रिबेट के हमने दो इफेक्ट दिखाए थे, एक बार चेक भी कर लेंगे. 13 में से लेस किया होगा आपने और शेड्यूल नंबर 5 में दिखाया होगा. ठीक है. आरडीडी अभी अभी हमने शेड्यूल नंबर 9 में से भी लेस किया और उसका दूसरा इफेक्ट हमने मेन फॉर्मेट के पीएनएल के मेन फॉर्मेट में प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी के इनर कॉलम में दिखा दिया. दो इफेक्ट हो गए. वेरी गुड. Acceptance on behalf of customers 800 lakhs. ये नहीं दिखाया अभी. इसका सिर्फ एक ही effect होता है. याद रखो, जो schedule number 12 से related items होते हैं ना, उसका सिर्फ एक ही effect होता है. Only one effect. Just one effect. तो लिखो acceptance. Schedule number 12 में चले जाएं.
लिखेंगे एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स 800 आउटर कॉलम. दैट्स इट. देखो आपका कोई भी आइटम रहा हुआ नहीं है, हमने सीक्वेंस में किया था सब कुछ और नीचे एडजस्टमेंट भी कर ली, दो दो इफेक्ट सबके दिखा दिए. शेड्यूल नंबर 12 के दो इफेक्ट नहीं होते हैं, वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है, रियल लाइबिलिटी नहीं होती है. अभी कन्वर्ट नहीं हुई है रियल लाइबिलिटी में, मे और मे नॉट अराइज वाला लाइबिलिटी होता है. ठीक है चलो अब हम क्लोज करेंगे. अब ध्यान से सुनो, फाइनल अकाउंट से मैं बताती हूँ कैसे क्लोज करें. सबसे पहले सुन लीजिए, सबसे पहले आपको 13, 14, 15, 16 क्लोज करना. बताइए 13 का टोटल. बैलेंस शीट को नहीं क्लोज करना है पहले, क्योंकि 13, 14, 15, 16 को क्लोज करेंगे नेट प्रॉफिट निकालेंगे माइनस करके. 13, 14 में से 15, 16 को माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट आएगा. उसी नेट प्रॉफिट में से स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एप्रोप्रिएशन जिसको बोलते हैं वो माइनस करके फाइनल रिटेन्ड अर्निंग्स निकालेंगे. और वो रिटेन्ड अर्निंग्स जब तक बैलेंस शीट के शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं जाएगा तब तक बैलेंस शीट टैली नहीं होगा. इसके लिए सीक्वेंस में सबसे पहला 13, 14, 15, 16 को क्लोज करने का. चलो 13, 14, 15, 16 चारों का टोटल करिए और मुझे बताते जाइए. आपको मीटिंग फिर से ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेस देन 1 मिनट दिखा रहे हैं.